नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो माहवारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। बारह साल में एक बार भारतपुरा नदी के किनारे तिरुनावाय नगरी में दुनिया भर में मशहूर एक महान उत्सव होता था, मामांगम। 15वीं सदी में मामांगम के असली संचालक वल्लुवा राज्य के महाराजा वेल्लातिरी को युद्ध में धोखे से हराकर मामांगम के मैदान को कोरिकोड के सम्राट सामुदिरी ने अपने हक में कर लिया। पराजय को ना मान के या गुलामी का झंडा ना भेज के वल्लवु राजा अपने बेहतरीन योद्धाओं को आत्मघाती योद्धा बनाकर हर मामांगम के दौरान भेजा करते थे। सामुदिरी के सेना की संख्या बल और शस्त्र बल के सामने कड़ा मुकाबला देने वाले वल्लवु राजा के वीर योद्धा मामांगम के मैदान में अपनी जान की आहुति देकर अमरत्व प्राप्त करते थे। 350 साल से वल्लवु राज और सामुदिरी के बीच चलती ये बदले की गाथाएं, जिन्हें वहां के लोगों और बंजारों ने रेखांकित की हैं, उनमें से सन 1695 में घटी एक घटना की एक काल्पनिक पेशकश है ये चलचित्र। जैसा अनुभव सारे संसार में ये बस एक ही है। मामांगम का महान उत्सव, चोला राज्य के लोग, विदेश से आए व्यापारी लोग, उत्तर भारतीय, पश्चिम और पूर्व भारत से आए सब लोग हैं इस मनुष्य सागर में। अरे बताना इनको, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। जो मैंने बोला वो बोलो, चालाक मत बनो। वैसे भी ये लोग मेरी बात समझ रहे हैं। किन किन दिशाओं से कितने सारे लोग आते हैं ये देखिए। यहाँ के कारीगर ग्राहकों के आवश्यकता के अनुसार सामान बना कर देते हैं। प्रतिदिन कितना सामान आता है और चला जाता है। हमारे सामुद्री राज्य से शत्रुता रखते हैं पड़ोसी देश वल्लुवा राज्य। चौथे वेद को अपना के मक्का में जाके मृत्यु प्राप्त करने वाले चेरामन पेरुमाल के बाद इस महानगर के संचालन का उत्तरदायित्व वेल्लातिरी का था, यानी वल्लुवा राजा का। चेरामन पेरुमाल ने यह अनुमति दी थी कि युद्ध के मैदान में जो जीतेगा उसी का होगा शासन भी, और सामुद्री ने अपनी तलवार के बल से इसे जीत लिया। ये 300-350 साल पहले की बात है। मेरी मानिए तो इतनी भयानक दुश्मनी विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तिरुमांदाम कुन्ने की माता का माला पहनकर माथे पर भभूत लगाए आत्मघाती योद्धा आते थे पुराने समय में, पर आजकल कहां से कैसे आक्रमण करते हैं कोई नहीं जानता। जब गुलामी का झंडा ना भेजने वालों और विरोध प्रकट करने वालों को बुलाया जाता है, तब चारों ओर से लहरों की तरह आते हैं यह धर्म योद्धा का। रेशम के वस्त्र धारण करके
अनेक रत्नों की मालाएं पहनकर राजगुरु को दक्षिणा देने के बाद विघ्नेश्वर की पूजा और देवी माँ का दर्शन करके खुशी का कोलाहल और आतिशबाजी के बीच देवी माँ की पालकी यात्रा निकालते हैं और वहीं से प्रस्थान करते हैं महाराज। पालकी रखते समय बहुत शोर होता है और उसके बाद सामुद्री महाराज मुख्य मंच पर चढ़ते हैं। तत्पश्चात पूर्व की ओर मुड़कर तिरुनावाया भगवान को प्रणाम करके शाही तलवार उठाते हैं। कोतवाल और कोड़ी कोट के तला चरूर को सौंपा गया है महाराज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व। फिर आतिशबाजी और उसके बाद विरोध की घोषणा। इस साम्राज्य में राज करने वाले आदरणीय सामुद्री महाराज के मामांगम महोत्सव का मुख्य संचालक के रूप में पदवी लेने में यदि कोई विरोध प्रकट करना चाहता है तो सामने आ जाए।
माँ आप ही तो कहा करती थी ना, लड़कियों को युद्ध कला सीखनी चाहिए। चूल्हा चौकी ही काफी नहीं है इनके लिए। तिरमा नाम की देवी आकर मेरे पलंग में विराजमान हुई थी। लहू के रंग की वेशभूषा में सज धज कर देवी मां प्रकट हुई मेरे पास, हाथ में चमकती तलवार लिए मुझे दर्शन देके कहा कि मैं मां मंग में सम्मिलित हो जाऊं, अब तो मुझे जाना ही होगा। हे माता, ये क्या सुन रही हूं? मैंने 5 पुत्रों को जन्म दिया किंतु केवल तुम ही जीवित हो। और भी आहुति देनी है ये भी सोचना है। अब समय बदल गया है ना पुत्र। तिरमादान देवी ने मुझे आदेश दिया है, मैं कैसे मना कर सकता हूं? भैया, बड़े भाई से बढ़कर पिता समान हो तुम मेरे लिए। तुम चले गए तो माँ की देखरेख कौन करेगा, बच्चों को कौन पालेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा? कई उन्हें जान की आहुति थी पर क्या प्राप्त हुआ? माँ आप इन्हें समझाइए, ये माँ मंगम छल का एक मंच है, ये तो हर कोई जानता है। मैं इसे रोक नहीं सकती, मना है, यही कुल की प्रथा है। चंद्रोत परिवार के किसी सदस्य को ऐसा दर्शन मिला तो कोई क्या कर सकता है? मारने और मरने का खेल है, ये महाराज ने भी कहा। वर्षों से योद्धागण जाकर भी क्या लाभ हुआ आज तक? हम किसी को रोक नहीं रहे हैं किंतु कह बिना भी नहीं रह सकते। इन सबकी देखरेख के लिए ये बच्चा ही बच्चा है, इसका जाना आवश्यक है। लाड़ प्यार से पालने के बाद अंतिम विदाई देने पर होने वाली पीड़ा को केवल माँ ही जानती है। कुल के बदले के लिए अब क्या और भी बच्चों की आहुति देनी होगी? तब तो गुलामी का झंडा ही सही है, क्यों? इस प्रकार की बात करते हुए लज्जा नहीं आई तुम्हें? माँ की ममता, वल्लवा राज्य के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो यहाँ की औरतें बच्चा पैदा ही क्यों करती हैं? अरे इतने वर्षों से तिरुमांगाम को नील माता का आशीर्वाद लेकर तिरुनवाय जाके मंच पर बैठे उस राक्षस का सर काट कर वैलातिरी को जिताने के लिए जीवन की आहुति देने वाले सब मूर्ख हैं। ये देश यदि जीवित है तो केवल उनके लहू का बदला लेने के लिए। उन्होंने वीर गति प्राप्त की इस देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए। ऐसे मरना और मारना सौभाग्य की बात है। यदि सामुद्री को मार दिया तो वेल्लातिरी सम्राट बनेगा? मनुष्य का भय ही है जो उसे भयभीत करता है। वल्लवा राज्य में यदि केवल एक भी पुरुष जीवित है तो वो मामांगम के मैदान में बैठे उस सामुद्री का सर काट के या अपनी आहुति से अपने पूर्वजों का मान रखेगा। बंजारे गांव गांव घूमकर किसकी वीर गाथाएं सुनाते हैं? गीतों में नाम आया तो फिर मृत्यु कैसे? वर्लुआ राज के वीरों के सिवा उछल कूद और कलाबाजी और कौन जानता है? गुलामी का जीवन बिताना नहीं, प्राणों की आहुति देना ही हमारी परंपरा है। अरंगोट गांव का होने के नाते
कभी अपना शीश नहीं झुकाया मैंने, सिवाय एक बार के। आशीर्वाद के साथ जाके देश को दगा देके देवी माँ को क्रोधित किया और कुल की मर्यादा को तोड़ के आत्मघाती योद्धाओं को बदनाम करने वाले के बारे में सोचता हूँ तो लज्जा आती है। उस दिन छल से हमें अपमानित करने वाले की संगत में क्या हम भी सम्मिलित हों? हमारा एक इतिहास है, उसे भुलाकर अपने पूर्वजों को छल कपट से मारने वाले उस दुष्ट के सामने सर झुकाकर कुल देवताओं और परंपराओं को भूल जाए। ऊपर से संपत्ति और प्रताप पुदुमना के पास अधिक है, वहला तिरी की सगी बहन है, ये केवल कहने की बात है। यदि निर्णय का अधिकार केवल उसके पास है तो लेने दो, मैं जाती हूँ यहाँ से। बैठिए, मांगड़ा से दूत उन्नीकोरन आया है। हम अपना निर्णय सुनाए उससे पहले महाराज ने क्या आज्ञा दी है ये भी तो जान ले। इस बात का निर्णय आप परिवार वाले करें, यही महाराज की राय है। कुल की मर्यादा का मान रखना होगा और देवी माँ के आदेश को ठुकरा के देश को संकट में भी नहीं डाल सकते, इसलिए आत्मघाती योद्धा को भेजने का सारे परिवार वालों ने बैठकर निर्णय लिया है, ये महाराज को कह दीजिए उन्नीकोरन। मुझे भी दर्शन मिला, मामंगम देखने मैं भी आऊंगा। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पुत्र, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। तुम्हारी माँ को, नानी माँ को और बाकी बच्चों को अब बस तुम ही हो। मुझे भी तिरुमंदम कुनिल की माता ने दर्शन दिया है। रारो 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 निंदिया कीड़ी बिया पलकन से खोले मुस्काए अखियों में भर भर ललना ललना रे ललना रे चंदन का पलना चांदनी चदरिया खिल जाए खुशियों की तरुवर ललना रे ललना रे
एक जग जादू है, एक जग टोना है, बाकी जो रंग बाचा वो भी झूठा। शनि ये सन्यासी है, मन भी वनवासी है, ये जीवन तो बीते जोगिरी में। निंदिया कीड़ी बिया पलकन से खोले, मुस्काए अखियों में भर भर। फिर कब सो पाए, कब रण हो जाए, तेरा सूरज तेरी भोर तू ले आना। अग्नि जलवायु की गोदी नभ माटी की, लोरी हो देवी की सदा संग संग। चंदन का पलना चांदनी चदरिया, खिल जाए खुशियों की तरुवर। ललना ललना रे ललना रे। उपहार की मुद्रा देने के अवसर पर महाराज, मंत्रीगण, हाथी घोड़े इत्यादि आएंगे मामा जी? तेल की कटोरी लेना भूल गया, जाओ लेकर आओ। क्या बात है बल्ले? जजमान, बात यह है कि चिंता मत कीजिए, यहाँ आक्रमण के लिए आए गुट में से एक है, इसके दो साथी बच गए। पता नहीं है आने का दुस्साहस कैसे किया, ये पहली और आखिरी बार है, अब कभी ऐसा नहीं होगा, हम सब देख लेंगे। कोर्ट से नौका में आने वाले हमारे राज के गिरोह को लूट कर मार दिया सामुद्री की सेना ने। उनका हुक्म है कि बाहर से यहाँ कोई सोना नहीं लाएगा। मैं अपने व्यापार का मामला पूरा करके लौट ही रहा था कि तब यहाँ की बातों का मुझे पता चला। ये जानने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने चला आया। आपने अपने जीवन भर की कमाई का सोना इस कटार में लगा दिया। मैमुना का निकाह कराना ना, उसके लिए तो मोइन है ना। खुद उगाई काली मिर्च से हासिल किए इस सोने के कटार से तुम्हें उस जालिम को मिटाना होगा जो हमारे देश को तबाह कर रहा है। इसे तुम अपने पास अपना तीसरा हाथ समझ के रखना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। युद्ध कला गुरुकुल में जाके 2 साल भी नहीं हुए, ऐसे मासूम बच्चों को आत्मघाती योद्धा करार करके तालाब में डुबो दिया सामुद्री के लोगों ने। मैं जानता हूं, आप और किसी को मत बोलिएगा। जंग हो या कारोबार, बिना सच्चाई के कुछ नहीं करता ये सामुद्री। ऐसे दगाबाज इंसान का तुम सामना करोगे कैसे?
हो सकता है सच्चाई की हमेशा ताकत के सामने जीत न हासिल हुई हो, लेकिन कहीं कोई एक भी दिया न जला तो पूरा अंधकार हो जाएगा। अंधकार में जीने की आदत पड़ गई है, फिर भी रोशनी की लालच है मन में। अपना हौसला बुलंद रखना, लोक गीतों में अपनी जगह बनाओ। से कुछ नहीं कहना। देवी माँ का आदेश मिला है ना, जाना तो पड़ेगा ही। जीवन भर प्रार्थना करती आई कि ये दिन आए तो आंखों में नमी ना आए। केवल मेरी बात नहीं, विजय प्राप्ति के लिए तलवार उठाने वाले किसी भी योद्धा के लिए, वल्लुवा राज्य की कोई भी स्त्री एक बूंद भी आंसू नहीं बहाएगी। यदि बहाए तो वो अग्नि वर्षा होगी। देवी मां से केवल एक कामना करती हूं, आपके प्रतिबिंब की तरह जन्म लिए हमारा पुत्र जब बड़ा हो जाए तब उसका इस देश के लिए जान की आहुति देने के दिन देखने का कहीं अवसर ना आ जाए। एक बार, केवल एक बार ही मैं ये पीड़ा सह पाऊंगी। जब मैं यहां से प्रस्थान करूंगा तो रास्ते के अंधकार को तुम्हें ही दीपक बन के मिटाना होगा। मुड़ के देखे बिना जब आगे बढ़ेंगे तब आपके हर कदम तले मैं रहूंगी। देवी मां रक्षा करेगी, हर कदम आपको विजय की ओर ले जाए। महामहिम राजा की ओर से उपहार की मुद्राएं स्वीकार कीजिए। महामहिम काफी व्याकुल है, इसीलिए प्रस्थान का उत्सव नहीं मनाएंगे कहा। वैसे भी प्रस्थान की बात गुप्त रखनी होगी, चारों ओर शत्रु के गुप्तचर हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी की रीति रिवाजों में कोई कमी ना रहे, ये भी उनका आदेश है। मामांगम में जा रहा हूं मां, आशीर्वाद देख के मुझे विदा कीजिए। लौट कर ना भी आया तो पुत्र होने के नाते आपके शेष जीवन के लिए मोहरे रखकर
इन चरणों को प्रणाम करता हूं। केवल तुम ही हो मेरे लिए। यदि तुम भी चले गए तो इस मां का क्रियाकर्म कौन करेगा? चिंता मत कीजिए, मैं तिरनले में आपके लिए पिंडदान करके जाऊंगा। तिरनावाया जाके उत्सव मंच अधीन करके मार के या फिर मर के जीत प्राप्त करो पुत्र। मामा जी के साथ मां मंगम के लिए जा रहा हूं। मां आशीर्वाद देकर मुझे विदा कीजिए। लौटकर ना भी आया तो मैं तो पुत्र होने के नाते आपके शेष जीवन के लिए मोहरे रख के चरणों को प्रणाम करता हूँ। पुत्र होने के नाते आपके शेष जीवन के लिए मोहरे रख के प्रणाम करता हूँ मां। सब मंच अधीन करके मार के या फिर मर के जीत प्राप्त करो पुत्र। अपने मामा जी चंद्रोत से भी आगे बढ़कर आक्रमण करना है तुझे, और तुझे ही पहले अपनी जान की आहुति देनी है। नहीं, पलट कर देखना, यह लौट जाना मना है पुत्र। मंगल साथ रहेगा, तिरनली में पिंडदान करना मत भूलना। तुझे पता है ना शंभू, कितने लोग इस रास्ते से आया जाया करते थे। मामांगम के समय महाकुंभ से भी ज्यादा लोगों की भीड़ होती थी यहाँ पर, किंतु आजकल शमशान हो गया है। इस देश का कैसा विनाश हो गया है ईश्वर। कहीं तलाचनोर तो नहीं पधार रहे हैं? खोलो खोलो, फटा खोलो। फाटक बंद करके ही रखना। हाँ। ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, आने वालों को वहीं पर रोकना होगा।
सुरक्षा कर्मी ग्रुप की समझ में आया? जी बिल्कुल। सचेत रहना होगा, पल भर के लिए भी कहीं नहीं जाओगे। अभी तो हमेशा आने वाले भी नहीं आ रहे हैं। नाचने वाली उन्नी माया के कोठे पे विदेशी व्यापारी की हत्या हुई है। वे महाराज के बहुत प्रिय थे। बहुत बड़ी घटना है। तला चेन्नूर जी स्वयं पूछताछ के लिए आ रहे हैं। अब उनसे कोई नहीं बच पाएगा, राजद्रोही। इस हत्या की पूछताछ तलकापुन आयर कर सकता है ना? केवल एक ही नहीं, बहुत सारे तलकापों के और सेनापतियों के नेतृत्व करने वाले महामंत्री तला चेन्नूर स्वयं आ रहे हैं, तो मरने वाला कोई साधारण व्यापारी नहीं हो सकता। इस छानबीन से पत्थर ही नहीं, पहाड़ भी टूट सकते हैं। उन्नी माया का नृत्य महल। रामा, पल्लुआ राज्य के बड़े बड़े लोगों की धन दौलत यहीं आ पहुंचती। सामुद्री के साम्राज्य के शत्रुओं का पता लगाने के लिए इस राज्य के कोने कोने में आपके गुप्तचर फैले हुए हैं, फिर भी आज तक एक भी शत्रु को पकड़ नहीं पाए तलका अपना है। महल की ओर प्रस्थान करें तो आपका विश्राम भी हो जाएगा और शांति से पूछताछ भी कर सकते हैं। पीरामा, इस नामर तलकाप नायर को यहीं रहने दो। वो नाचने वालियां कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। महामंत्री जी, क्रोधित ना हो, यहाँ की सभी कन्याएं गायब हैं। उन्नी माया, पकड़ के लाओ उसे, नहीं तो। कुछ भी कहो, ये महल अति सुंदर है। लगान की मोहरों से निर्मित सामुद्री के राजमहल से भी सुंदर, लेकिन ना अधिक भड़कीला है ना ही चमकीला। कुछ लोग जो उस रात यहाँ पर थे उनसे बाहर पूछताछ की जा रही है। अच्छा, और जो लोग भाग गए थे उन्हें ढूंढकर वापस लाने का भी प्रबंध मैंने कर दिया है तला चेन्नूर महोदय। गलियारे में सुनहरा कालीन बिछा के, चारों ओर जगमगाते दीपक जला के, महकते हुए चंपा चमेली बिखरा के, कस्तूरी और चंदन छिड़क कर, सजावट के लिए तश्तरी और आईना लगाकर, दूध से भरा सोने का पात्र और चेहरों को उज्जवलित करने के लिए रेशम की बाती से अलंकृत करते हुए विदेशियों को सुख बेचती हैं यहाँ की लड़कियाँ। और ये लोग कहते हैं उन्हें पता नहीं वो कहाँ हैं। ये यहाँ का संचालक है महोदय, इसे जरूर पता होगी उन्नी माया की माया। महामंत्री, जैसे ही कुमरन ने आके हत्या की सूचना दी, स्त्री पुरुष सभी लोग भयभीत होकर यहाँ वहाँ भागने लगे। मैं भी भाग रहा था, उस कोलाहल के दौरान पल भर के लिए रारीचंद को अपने घोड़े पर जाते हुए देखा। उसके साथ उन्नी माया भी गई। बड़े ही उद्दंड लोग थे, वो यहाँ के अन्य लड़कियों को भी साथ ले गए। छत पर पायल पहनकर दौड़ने वाले पैर किसके हो सकते हैं? चमगादड़ या किसी बंदर के, या देवी माँ स्वयं दर्शन देने आई? चाहे जो भी हो, हम उसे देखना चाहेंगे। इरा, अब तांबुल हो जाए। यही वो चूहियां हैं जो छत पे दौड़ रही थी। और ये उन्नी ने ली, माया की छोटी बहन। अच्छा, तो कबीले वालों का पोशाक उन्नी नहीं। हाँ, कहाँ से हो? मैं दूर कायम कोलम से यहाँ गुजारे के लिए आई हूँ। <आया। laughs>
यदि तुम कायम कुलम की हो तो ये तलवार की नोक तुम्हारे लिए सुई समान है। आजमाना चाहोगी? समस्त संसार को लुभाने वाली औरतों को छूकर मैं उन्हें कष्ट नहीं देना चाहता, ऐसी मैंने प्रतिज्ञा ली है। परदेसी व्यापारी को किसने मारा अगर ये बात ये जानती है तो केवल ये बताने के लिए ही ये अपना मुंह खोले। मैंने किसी की हत्या नहीं की है। यह है करुमारी, बंगू देश में तुमसे भी बड़ी बड़ी चालाक लड़कियों को काबू किया है इसने। ये उगलवाई तुम्हारे मुंह से सत्य। इसकी वेशभूषा और चेहरे के पीछे जो भी रहस्य छिपा वो मैं जानना चाहता हूं। इरामा, चलो और से पहले माया को पकड़ना होगा। सामुदीरी राजा की दया से जीवित है मैं और मेरा परिवार। उनके लिए हम जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, यही हमारा कर्तव्य है। हम और कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे बता दो उन्नी नेली, नहीं तो यहाँ की हर एक लड़की को इसी तरह प्रताड़ित करके मैं सच उगलवाऊंगी। सरकार, माया दीदी के नृत्य के लिए मैं गीत गाया करती थी, बस यही काम था मेरा। सारा परिश्रम हम लोग करते थे और धन माया दीदी रखती, मुझसे और सहा नहीं गया इसलिए हत्या करनी पड़ी। दीदी को वश में करने वाले परदेसी को मार दिया। वो उन परदेसी व्यापारियों में से नहीं था जो यहाँ छोटे मोटे व्यापार करने आते। वो अपने पास असीमित सोना और हीरे मोती रखता था। ऐसा कोई दूसरा मिलने के लिए मुझे अगले मामांगम तक प्रतीक्षा करनी पड़ती। तब तक कौन जीवित रहेगा ये किसे पता। मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहती थी महामंत्री, पर मुझसे भूल हो गई इस गोंधी नायर की बातों में आकर। मदिरा और अफीम देकर उस परदेसी को वश में करके चतुराई से कुछ रत्न बेचने की हमने योजना बनाई थी। तुम नाचने वालों के पास ढेर सारे रत्न है कहते ही परदेसी ने तुम पर विश्वास किया। विश्वास नहीं किया महामंत्री, जैसा आप समझ रहे हैं वो कोई साधारण व्यापारी नहीं था, बड़ा ही चतुर था। वो डच सेना ताला कापू नायर को उपहार में दिए रत्न थे। वो उन्हें खरीदने का धन यहाँ वल्लुवा राज्य में किसके पास है, उन रत्नों को बेचना चाहते थे उस परदेसी को। नृत्य की रात हवेली के पीछे मंदिर के पास सौदा करने का निश्चय किया। अगर दीदी को पता चलता तो वो मुझे मार देती। बहुत संभल कर डर डर कर मैं वहां पहुंची। रत्न हाथ लगते ही परदेसी का रवैया बदल गया। उसने कहा वो कांच के टुकड़े हैं। जब मैंने उन्हें लौटाने के लिए कहा तब मुझे लगा कि वो परदेसी उन्हें दिए बिना ही चला जाएगा। मैंने भी उसे जाने नहीं दिया। उस विवाद के बीच जब उसने अपनी कटार बाहर निकाली तो साहस जुटाकर मैंने उस पर वार कर दिया। वो परदेसी मर गया। शव को ठिकाने लगाने से पहले ही हमें ढूंढते ढूंढते कुमरन वहां आया और चिल्ला चिल्ला के लोगों को एकत्रित कर लिया। निर्दोष होते हुए भी माया दीदी पर कोई उंगली ना उठाए इसलिए अपना अपराध स्वीकार कर मैंने उन्हें भागने दिया महामंत्री। जीवन बसर करने के लिए जो अपराध मुझसे हुआ है उसके लिए जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। उल्ली नीली, माया से भूल हो गई, तुम केवल गायिका नहीं हो,
बल्कि अभिनेत्री भी हो, एक कुशल अभिनेत्री। काल्पनिक रत्नों का रहस्य रहने दो। उस मंदिर के आसपास कांटों भरे बबूल के पेड़ हैं। कोया का शव देखने यदि तुम वहां गई होती तो सारे शरीर में बिना खरोंच के तुम लौट नहीं पाती। वहां के कीचड़ों में तुम्हारे पैरों के निशान भी नहीं छपे। तुमने इस कोठे के बाहर कदम तक नहीं रखे। तुम जिन रत्नों को बेचना चाहती थी उनकी शुद्धता कितनी थी नीली, वो कहां गए होंगे इसका पता भी नहीं होगा। क्या ये वही है जिसके बारे में तुम बता रही हो? उस रात नाच गाने के बाद जिसके साथ तुमने इसका सौदा किया, वो परदेसी समर कोया नहीं था। उस रात जो ब्राह्मण तुम्हारे साथ था, ये पत्थर उसके पास में। केवल इतना ही नहीं, किसी की जान लेने की मनोदशा है तुम में उन्हीं ने ली। तुमने जो नाटक किया उसके पर्दे के पीछे चाहे कोई भी छिपाओ, उसे कल सूर्योदय से पहले सामुदरी महाराज का मंत्री ये तलचेनोर बाहर लेकर आएगा। क्षण भर के लिए भी ये सोने ना पाए, असली खेल तो अब मैं खेलूंगा। जो भाग गए थे उनके बारे में कोई जानकारी मिली रामा? इस राज्य के महान संगीतज्ञ भी जिसकी प्रशंसा करने से नहीं चूकते, ऐसी सुंदर कन्या की आंखों को क्यों ढका? आंखों से पर्दा हटा दें तो क्या ये तलवार की नोक को भी अपने वश में कर लेगी? या डर गए कि इसकी आंखों की ज्वाला में तुम सब जलकर खाक हो जाओगे? ये कहीं भाग ना जाए इसलिए सेना के संग गए तलिकाप को भटकने दो। इसकी आंखों की पट्टी खोलो ताकि इसमें छिपे सत्य को मैं देख सकूं। पसंद आया? इससे बढ़कर भी कुछ है उस माया के लिए जो केवल मेरी है, उसके गले का मंगलसूत्र। साहूकारों के समक्ष नाचने वाले के भाग्य में मंगलसूत्र? कौन है ये साहूकार? अपने घर की धन दौलत को बेच के या गिरवी रख के एक रात यहां बिताने के लिए आने वाले वासना के भूखे? तुम्हें दौलत की चमक से नहीं, अपने मन की चमक से अपनाना चाहता हूं। आने वाले मामंगो उत्सव से पहले मैं कोई उपाय निकालूंगा। मैं यहां से तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन रारीचंद की सारी योजनाओं को उलट पुलट करते हुए मामंगम के कुछ दिन पहले विदेशी व्यापारी समर कोया यहां पहुंचा। Thank you.
मैंने तो निर्णय ले लिया था महामंत्री, मामांगम के पश्चात माया के साथ कहीं विदेश जाकर घर बसाऊंगा। मेरे अंदर ज्वालामुखी फट रहा था महामंत्री, वो दृश्य मैं देख नहीं पाया। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, मंदिर के पास तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। पागलों जैसी बातें मत करो, उन्होंने मनोरंजन के लिए मोहरे दी हैं, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ, उसे कैसे रोक दूं? यदि तुम नहीं आई तो दोबारा मनोरंजन के लिए यहाँ कोई परदेसी नहीं बचेगा। मेरे कहने के अनुसार उन्नी माया मंदिर के पास आ गई। मैं उससे कोई बात करूं उससे पहले ही वो विदेशी भी वहां पहुंचा। मेरे सामने एक ही विकल्प था। तात्पर्य है, उन्नी माया ने नहीं, तुमने समर कोया की हत्या की इस नाचने वाली के लिए, है ना? मैं लाचार था महामंत्री, अंधेरे में जब उन्नी माया को मारने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे पीछे से उस पर वार करना पड़ा। उसके सीने में घाव का निशान था, उस पर पीछे से वार नहीं हुआ। रारेचंद, तुम ये काम नहीं कर सकते। उस रात समर को मारना केवल तुम्हारे ही नहीं किसी के भी बस की बात नहीं थी। वो किसी भी अकस्मात के लिए हर क्षण चौकन्ना रहता था। बल्लुआ राज्य के कोने कोने में उपस्थित जितनी भी सेना और उनके सहायक हैं, उन्हें शरीर और मन से लड़ने की ताकत थी। उनके पास इसी कारणवश सामुदीरी का विश्वास पात्र था। दुश्मन होंगे, जाके देखो। कोठे की लड़की और उसके प्रेमी के हाथों किसी मंदिर के पास मरने के लिए जन्म नहीं लिया था उसने। जन्म जन्म के बदले की आग को अपने अंदर छुपा के मामंगम के लिए आने वाले आत्मघाती योद्धाओं को मिटाने के लिए आया था वो। हथियार कुछ भी नहीं है, ये वो लोग नहीं है जनाब। उन योद्धाओं को ढूंढते समय यदि उनकी मृत्यु हो गई तो इसका अर्थ है जिन्हें वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गए होंगे, या उन्हें वो मिल गया होगा जिन्हें वो ढूंढ रहा था। इतने पूछताछ करने के बाद भी तुम सब आखिर किसे बचाना चाहते हो, मुझे यह जानना है।
भीड़ भाड़ से भरी मामांगम की नगरी, यह मंदिर, स्नान करने के लिए घाट, स्नान घर के पूर्व में स्त्रियों के लिए विश्राम घर और पश्चिम की ओर मंदिर के मुख्य द्वार से वागयूर महल तक का कच्चा रास्ता, यह मंगाटचन की हवेली, नदी के इस पार टेक्यकरा मंदिर के पास एराल पहाड़ का खेत और घर, 30,000 सैनिकों की सुरक्षा, जिसने स्वयं ये देखा हो वही इसकी रचना कर सकता है। कौन हो सकता है? आंखों देखे दृश्य की तरह इस मामांग उत्सव की रचना किसने की? इस चित्र की पूरी रचना पिछले कुछ दिनों में की गई है, यह समझने के लिए इसका यह गीलापन ही पर्याप्त है। कौन है वो? वो केवल एक चित्रकार ही नहीं था मंत्री महोदय। इन दीवारों को खड़ा करके उन पर ये छत बिठा दी और आपकी सेना ने जिन घरों को सर्वनाश कर दिया था वहां पड़े शवों का दाह संस्कार करके अनाथ हुई इन लड़कियों को यहाँ लाके उन्हें आसरा दिया। एक सगी माँ की तरह उनकी देखरेख करने वाला केवल वही था। हमारी ही तरह वो एक साधारण व्यक्ति था। मालूम होता है पूनम का चांद बादलों को चीर के धरती पर उतर आया हो। शेखर जी, अभी भी आप रोग मुक्त नहीं हुए हैं ना? ना तो यहाँ के जागीरदार को आप चाहिए और ना ही समुद्री के महामंत्री तारा चेनूर को। छोटे छोटे काम के बदले में इतनी धनराशि मांगते हो, वो भी इन मासूम कन्याओं से जो मुंह भी नहीं खोल सकती। तुम्हें तेल खरीदने के लिए दी गई मोहरों से अगर चाहते तो लकड़ी के बजाय यहाँ सोने के खंभे बनवा सकते थे, पता है? चार सिक्कों के लिए किसी की जान भी ले सकते हो। खाली हाथ मत जाना, चलो निकलो यहाँ से। अब थिरुनावाया मामांगम की समाप्ति तक तुम में से कोई भी इस चौखट के अंदर कदम नहीं रखेगा। चाहे अपनी बीवी के गहने या जमीन रखो या बेचो, यहाँ आना है तो 1,000 मुद्राएं हाथ में रखनी होंगी तुम नायर लोगों को। वो ऐसे ही थे जिनके लिए अपनी कला का प्रदर्शन करना जैसे कोई खेल था। पी के घर मुड़ी चंचल गलियां, पायल बूझी नहीं, सुनो जी पायल बूझी नहीं। पी के घर मुड़ी चंचल गलियां, पायल बूझी नहीं, सुनो जी पायल बूझी नहीं। नीली शर्मीली लाज की मारी, नाचत नैन नदी, सुनो जी बांध के रैन नदी। पीके घर मुड़ी चंचल गलियां, पायल बूझी नहीं। चाल ना पूछ ना दिल के, आंख ना भोर सजे, सुनो जी आंगन मौन लगे।
रार भुला दो बिनती सजन जी आजा मन रसिया सुनो जी आजा तन बसिया जो तुम छवि तो मैं तेरी दर्पण दोनों अलग नहीं हैं सुनो जी एक इकट्ठे ही हैं ताल आलाप तुम मैं हूँ बंदिश भैरवी भैरव सी सुनो जी मींड तुम मैं मुर्की पी के घर मुड़ी चंचल गलियां पायल बूझी नहीं अब एक पान हो जाए बिल्कुल हो जाए लीजिए लगता है इसी आंगन के हैं और ये सुपारी विदेशी लगती है जी हाँ हमारी मिट्टी इसकी जड़ नहीं पकड़ती इसलिए उपज कठिन है दिखने में कितनी सुंदर है सोने से भी बढ़ के यदि आप चाहें तो आप भीतर आराम कर सकते हैं यहाँ पर हवा और रोशनी बहुत अच्छी है सब साफ दिखता है अरे गोंदी बोलिए तुम तलकापू नायर की दलाली खा खा कर मोटे होते जा रहे हो लेकिन जैसे अंग्रेजों से हाथ मिलाया वैसे दूसरों से मेल मत रखना सारा पहाड़ी माल जमींदार नंबड़ी ने डच लोगों को दे दिया तो किसी को कुछ दिए बिना सीमा पार हो जाएगा कितना कमा सकते हैं देश भले ही खाक में मिल जाए तुम लोगों को धन बनाना है तुम्हारा पेट कभी नहीं भरता राजा महाराजा उनके मंत्रीगण और सगे वाले सब एक जैसे मामांगा में लिए सारे निर्णय बदल जाएंगे नहीं बदलती तो वह है मिट्टी और यहाँ के लोग चित्रकार महोदय वल्लोवर राज्य से आने वालों से एक कहानी सुनी किसी दैविक बालक की कहानी वो हौसले से योद्धा था शरीर से नहीं सुना है 25 साल पहले ऐसी विद्याएं करने वाला कोई जीवित रहता था चंद्रोत का आत्मघाती योद्धा उछलकर एक बार हवा में उड़ता तो नीचे नहीं उतरता था ऊपर आसमान में रहकर हवा में चलकर वो कलाबाजियां किया करता था कहते हैं कि अद्भुत थी उस भगोड़े योद्धा की युद्ध कला वही परंपरा है न चंद्रोत की 24 साल पहले मामांगम देखने वालों ने कहा है कि उसकी तलवारबाजी उछलना पक्षियों की तरह उड़ना बहुत ही अद्भुत था मरकार के तीरबाज भी निशाना नहीं साध पाते थे ऐसी हवा में की जाने वाली युद्ध कला पूरे 25 साल बाद अब देखने को मिली है उस दैविक बालक में सामुद्री का अंत करने के लिए आने वाले आत्मघाती योद्धाओं की प्रशंसा हो रही है ना बंजारों का क्या है वो तो किसी का भी गुणगान करेंगे मामांगम का उत्सव आरंभ होने से पहले ही एराडी और तानी नायर लोग जोश में आ जाते हैं तलवार से छोटे कद के बच्चों को भी योद्धा बनाकर आहुति देने की स्पर्धा है उनकी हां में हाना मिलाई सर भी कटेगा घर भी मिटेगा ऐसी गाथाएं सुनकर रोमांचित मत हो जाओ जाकर आराम करो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यहां पर एक दैवी चित्र की रचना करना चाहता हूं लकड़ी के पात्रों में विविध रंग तैयार होने लगे कश्मीर के केसर का पहले की तरह रंग लाल नहीं है लाल रंग चाहिए तो वल्लवराज के खिलते गुड़हल से लेना होगा उसे कहते हैं लाल जैसे रक्त बहता हो
चित्र रचना आधी हुई थी कि वहां समर को यहां पहुंचा। तुम चित्रकार गुरुप हो ना? कुछ चेहरों की रचना करता हूँ। गीत गाथाएं लोग भूल जाएंगे, लेकिन दीवार के रहने तक चित्र बचा रहेगा, है ना? इस देश में आते जाते ना चोर और चक्कों से सतर्क रहिएगा। और गुप्तचरों से भी। तिरुनवाया से लेकर कारमपुरा तक सामुद्री के गुप्तचर फैले हैं। पलक झपकते ही ना सरोड़ जाएगा। अब कहाँ जा रहे हो? रंग जमने के लिए रसायन मिला के रखा है। जम जाने से पहले लगाया तो वो टिकेगा नहीं और दीवार भी ढह जाएगी। आप आराम कीजिए ना, संध्या की बेला में महल की सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। कुरूप की आंखों में कोई राज है, उसके पीछे कोई कहानी भी, उस पर नजर रखना। बदल जाएगी, सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, दो प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901701 पर। वहाँ कोई शत्रु नहीं था महोदय। वैसे जंगल में झरने के पास हमें जो मिला वो हमारा गुप्तचर परन गोडन था। अब वो बोल नहीं पा रहा। लगता है इसकी जीभ गले में अटक गई महोदय, ना बाहर आ रही है ना अंदर जा रही है। इसे मेरे पास यहाँ सूचना देने के लिए भेजा गया था कि समर कोया वहां सुरक्षित पहुंच गया है, लेकिन इसे यहाँ मेरे पहुंचने के बाद लाया गया। जंगल में इसके साथ किस तरह की घटना घटी वो ये स्वयं ही बताएगा। कैमल ने तो सूचित किया है महोदय कि वहां कोई संदेहजनक बात नहीं है और ना ही इस पर कोई हाथापाई का निशान है।
अबू किसी न किसी कारणवश ये बोलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी परंगोड़न की बातों में बहुत सी सच्चाइयां हैं जो किसी ने नहीं बताई। यहां पहले कभी किसी ने भी ना देखे हो ऐसे दो अज्ञात लोग आए थे, एक युवा पुरुष और एक बच्चा। कौन है वो, उनके पीछे का रहस्य क्या है? यह प्रश्न उस अधमरे से पूछूं जो अपनी जीभ चलाने में सक्षम नहीं, या तुम सब सीधे सीधे बता दोगे इससे पहले कि तुम्हारी जीभ काट लूं? जंगल में सांप के डसे एक व्यक्ति और उसके साथ छोटे से एक असहाय बच्चे को भी किसी ने यहाँ पहुंचा दिया, ये सच है महामंत्री जी? उसमें नाम मात्र को जान बची थी, कालीघट के गुरुकुल में बच्चों को छोड़कर लौटते सब उन्नी माया के कोठे में आ जाओ, दो चार दिन वही खाना पीना खाकर नाच गाने का आनंद उठाकर चले जाना, विनम्रता के साथ न्योता दिया तो ये तो बहुत अच्छी बात है कहकर तुरंत चले आए वो लोग, है ना? दो कौड़ी के लिए जंगल में विषैले सांप का भी उपयोग करने वाले तुम्हारे मुँह से विष के अलावा और क्या निकलेगा? आप गलत समझ रहे हैं महामंत्री। क्या मतलब? सांप ने उसके हाथ पर डसा था, संगमन के बाद सांप निकला तो वहाँ सो रहे युवक का हाथ अनजाने में उसे छू गया और उसने उसे डस लिया। कुरुपा चंद के सिवा विष उतारने वाला वैद्य इस गांव में और कौन है? इसी कारणवश उन्हें यहाँ लाया गया था। अच्छा, लोगों को देखकर तुझे कोई संदेह नहीं हुआ? पल पल मृत्यु की ओर कदम बढ़ाने वाला एक पुरुष और साथ में 12 साल की आयु का एक मासूम बालक, यदि कोई भी उसका चेहरा एक बार दिखेगा तो कभी उस पर संदेह नहीं करेगा। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी काली मिर्च ले आओ। अपना मुंह खोलो, आ। तीखी लग रही है? तीखी लग रही है क्या? शरीर में विष फैल चुका है, समागम की स्थिति में सांपों में विष की मात्रा कम रहती है, इसी वजह से बच गया। इसे सोने मत देना, सोने में खतरा है, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर यह सोना नहीं चाहिए। तुम्हें रंगों के बारे में जानकारी है? साधारण देवताओं के लिए हरा रंग, पार्वती और लक्ष्मी को सुनहरा रंग, शिवजी के लिए श्वेत और सुनहरा, और राजाओं और योद्धाओं को? उनका लाल। नदियाँ, सर्प, हिरन और मोर एक साथ आ जाए तो इसका क्या अर्थ है? जंगल या घोर जंगल। खिलते नीलकमल का अर्थ? पूर्णिमा। तो तुम्हें चित्रकारी में रुचि है? हम जो भी देखते हैं उसकी एक छवि होती है, तुम्हें सब ज्ञात है, समझदार हो। थोड़ा सा रंग मैं भी भरूं?
क्यों नहीं? आप मेरी परनानी को जानते हैं? मैं तुम्हारी परनानी के बारे में कैसे जानूंगा? क्योंकि आपका चेहरा उनसे बहुत मिलता है। तुम मुझे बड़े मामा जी बुला सकते हो। अति सुंदर। मामा जी को पसीना आ रहा है। विष का प्रभाव शरीर से बाहर आ रहा है। अंतर्दृष्टि से आपने क्या देखा? किसी की कहानी देखी, जिस कहानी को कोई भी ना सुनाए और ना ही कोई उसका स्मरण करे। ऐसे किसी की कहानी हमने भी सुनी है, मेरे बड़े मामा की कहानी, जिन्हें सब कुलद्रोही कहते हैं। देखिए, उस सुपारी की पेड़ की ऊंचाई पर बिजली की तरह तेज गति से उछल कर करतब करने वाले मेरे बड़े मामा जी। पर उन बड़े मामा जी ने ऐसा कौन सा अपराध किया था? कुलदेवी के आदेश को ठुकराकर हमारा अपमान किया और फिर भाग गए। पूरी कहानी बताओ, मैं भी तो सुनूं। मेरे बड़े मामा जी जैसा महायोद्धा न पहले कभी था और न कभी होगा। इतने तेज कि दिखाई भी न दे और कोई सोच भी न सके, इतना ऊंचा उछलते थे। और उर्मी का प्रयोग उनकी तरह और कोई भी नहीं कर सकता है। पंचभूतों का भी ज्ञान था उन्हें। सुना है किसी को भी बिना छतरी के केवल डंडा चलाकर भीगने नहीं देते थे। एक बार घोर वर्षा में केवल तलवार चलाकर 3.5 कोस चल के आए थे। जो साथ में थे उन पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरने दिया। तुम्हें लगता है ये सब संभव है? जिन लोगों ने उन्हें देखा है उन्हीं का कहना है ये सब। उस विश्वासघाती बड़े मामा का कोई नाम नहीं? तुमने किसी से पूछा नहीं? उनका तो नाम लेना भी मना है, तो फिर भला मैं कैसे पूछता? उसने देवी का आशीर्वाद ग्रहण करके परंपरा के अनुसार युद्ध कला में निपुणता पाने के बाद सबके साथ विश्वासघात किया, परिवार को शत्रुओं के सुपुर्द करके कुल का बदला लिए बिना भागने का पाप किया है। मेरे घरेलू रहस्य जानकर आप छल तो नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी कथा इसलिए सुन रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात ना करे, कोई भी नहीं। पात्र में जितना था पूरा पी लिया। शरीर अब औषधियों को स्वीकार करने लगा है। भूख लगना तो अच्छा संकेत है। तुमने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है। हाँ, उसके लिए भी औषधि है मेरे पास। भोजन देखता हूँ तो मुझे माँ की याद आती है और उन्हें भुलाने के प्रयत्न में मेरी भूख मिट जाती है। आज मुझे ही अपनी माँ समझो। अभ्यास पूर्ति के बाद जब तुम घर लौटोगे तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेंगी। पता नहीं मैं वापस जा पाऊंगा या नहीं। निसंदेह तुम वापस जाओगे, ये तुम्हारे बड़े मामा का वचन है। मैं मामंगम देखना चाहता हूँ। अंग्रेज चीनी और अरबी वहाँ आकर हलचल मचा देते हैं, फिर भी वो एक अविस्मरणीय अनुभव है। मामंगम का महान उत्सव, जहां तक नजर जाए वहां अनगिनत शिविर, दुकानें और व्यापारियों के भीड़ से भरा रहता है वो माया बाजार। कैसी है उसकी बनावट? वैसे तुम वहां देखना क्या चाहते हो? समुद्री को।
कोई जाल बिछा हुआ है पुत्र, हमें सतर्क रहना होगा। मामा जी मुझे नींद नहीं आ रही, आप सो जाइए, मैं बैठता हूँ। चलो ठीक है पुत्र, तुम मेरी रखवाली कर सकते हो, और जब तुम्हें नींद आए तो मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। पास स्नान करने के लिए घाट, उसके पूर्व में स्त्रियों के लिए विश्राम घर, मंदिर के मुख्य द्वार से वागयूर महल तक का कच्चा रास्ता, और फिर उसके बाद मंगाटचन की हवेली, नदी के इस पार तिक्केकरा मंदिर के पास एरालपाड का खेत और घर, महलों के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, 30,000 सैनिकों की सुरक्षा। सभी महलों और कमरों के विविध रंग हैं, कई गुप्त सुरंगें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, संकट का संकेत मिलते ही वो सामुद्री को छुपा देंगे। सामुद्री के मंच के बारे में तुम कैसे जानते हो? खुशी के कोलाहल और आतिशबाजी के बीच देवी माँ की पालकी यात्रा निकाली जाती है और वहीं से प्रस्थान करता है सामुद्री। आतिशबाजी के बाद जनता शांत हो जाती है और तब हमें विरोध प्रकट करना होगा। ये सब तुम्हें किसने बताया? कहां से मिली तुम्हें झूठी बातें, बताओ। योद्धा बनकर अपनी जान का बलिदान देने का जिन्हें वरदान मिला है, उसी कुल का हूं मैं। आसपास के मासूम लोगों की हत्या करने के लिए मैं योद्धा नहीं बना। ममांगम के सिंहासन को तहखाने में पहुंचाने वाले सामुद्री ने पराजय को जीत में परिवर्तित किया, तो सारी बदनामी मैंने खुद ओढ़ ली। जान लेनी है तो ले लो, मैं खड़ा रह गया चुपचाप।
मगर पलकों की तरह हाथ पर भी तेज चलने लगे, शरीर नई नई तरह से कलाबाजियों के ऊपर कलाबाजियां करने लग गया। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, कायर है ये आदमी, इसकी बातों में मत आओ पुत्र, अपना धीरज न खो देना। आत्मघाती योद्धा जो मैदान छोड़कर भाग गया, वो हमारा वंशज कैसे हो सकता है? पुत्र, क्या है कायरता? रक्त न बह जाए ये सोचकर पीछे हट जाना? मासूमों के लहू से होली खेलने वाले सामुद्री को मरे हुए कई सदियां बीत गई, मंगल राजा ने सबको छोड़ दिया, फिर भी वल्लू राज के नायरों के अंदर ज्वालामुखी आज भी जीवित है, उन्हें भड़काने के लिए कुछ मुसलमान भी। जिस घटना को किसी ने नहीं देखा उसके लिए तुम इस बच्चे की बलि देने जा रहे हो। मृत्यु से मित्रता, तुम्हें मारने की प्रतीक्षा करने वालों के सामने मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। यह मुखौटा मैंने तुम तक पहुंचने के लिए धारण किया था। अपनी आयु और शरीर उनकी सेवा में समर्पित करो जिनका तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तुम लोगों का लक्ष्य अब से यही हो, आज के बाद तुम्हारी इस यात्रा में तुम पर कोई खतरा ना हो, यह मैं देख लूंगा। सुनो दुष्ट, हमारे लिए तुम बहुत पहले ही मर चुके हो और अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। तुम मुझे अपने ही हाथों से मारोगे। जब मैं घर से निकला था तब तुम अभ्यास आरंभ ही करने जा रहे थे। अपने व्रत के पहले दिन ही तुम्हारे हाथ से तलवार गिर गई और तुम्हारी जांग में चोट लग गई। वो देखकर तुम्हारी मामी और नानी दोनों रो पड़ी और मैं भी, मगर तुम उस पीड़ा को सहन कर गए। सबने तुम्हें शूरवीर कहा, मार दो मुझे। इस रात में ठंड से बचने के लिए कंबल की आवश्यकता होगी, मगर इन बच्चों को नहीं जिन्होंने सौगंध खाई है। हालांकि महल में आए विदेशी व्यापारी की आंखों में पट्टी बांधने के लिए तुम्हें संगीतमय कंबल की रचना करनी होगी। कल सूर्यास्त के पश्चात नौ घटी के समय पर महल के चारों तरफ पहरा देने वाले सारे सुरक्षाकर्मी नींद की अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब तुम्हें यात्रा प्रारंभ करनी है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम विश्वास कर सकते हो कुरुपच्चन पे, किसी से भी बढ़कर। बूंदों सी रत्तियां, फूलों से फूलों से बत्तियां, चल सैया पढ़ा दो, रंग प्रीत रंगा दो। चल सैया पढ़ा दो, रंग प्रीत रत्तियां, फूल
सी रतिया, फूलों सी सुन के विविध साजो सामग्री के विवरण के अनुसार अभी तक समर की कम से कम दो बार मृत्यु हो गई, दो या उससे भी अधिक कारणों से। जिस युवा पुरुष और मासूम बालक को इन्होंने सहारा दिया और इनको सहारा देने वाले कुरूप इत्यादि दिख भी नहीं रहे, चाहे किसी के लिए भी हो, इस चित्र रचना द्वारा उसने किसी को मामांगम के मैदान का नक्शा दिया। वीरामा, इसके पीछे के सत्य को खोजने का हमारे पास समय नहीं। समर की हत्या इन सब ने मिलकर की है। इस हत्याकांड में तुम सबका कोई ना कोई किरदार अवश्य है, नहीं तो उस रावण का वध करने के लिए एक महाअवतार की आवश्यकता होती। We'll be right back.
बल्लाई बंदर कहा कि कुरेशियों से तुम्हें पूछना चाहिए था चंद्रोत के पराक्रम के बारे में। बस यही खेद है कि तेरा सड़ा हुआ खून इस पावन धरती पर गिरेगा। दुनिया का सामना करना छोड़ के औरतों के पीछे छुपने वाले नामर्द कुत्ते का वल्लुव राज में आज अंत। तेरी मृत्यु तेरा सौभाग्य है कोया। ऐसा है तो वो कुरुप और उसके साथ निकले बालक और पणिकर ही हैं। महाराज पर निशाना साध कर आए हुए वल्लुव राज्य के योद्धा, हमें उनके पीछे नहीं आगे यात्रा करनी होगी। वल्लुव राज्य वाले गुलामी का झंडा नहीं भेजेंगे और आत्मघाती योद्धाओं को हम मार देंगे। याद रहे वो लोग महाराज की परछाई तक को छू ना पाए। चलो चलते हैं। महामंत्री जी, इन्हें इनमें से किसी को भी मारना मत। यहां पर जलते हुए दीपक से ही आग लगानी होगी। उसी के साथ चलेगा इसका और इसकी सखियों का अंतिम नृत्य। उन योद्धाओं को मार के जब मैं इस रास्ते से लौटूंगा, तब यहां पर इस कोठे की जगह एक विशाल और गहरा तालाब देखना चाहता हूं मैं। हिरामा, इसकी आंखों पर पट्टी बांधो ताकि उन्नी माया को इस दुनिया में दिखाई देने वाला आखिरी पुरुष मैं हूंगा। नहीं, तुम उनका बाल भी बाका नहीं कर पाओगे ताला चनूर, क्योंकि युद्ध में आज तक सर्वनाश हुए इस राज्य की हजारों औरतों और बच्चों की जान और दुआ कुरुपच्चन के साथ है। चाहे माँ की कोप में ही क्यों ना छिप जाए, सामुद्री को बाहर निकालकर डस ही लेगा ये नागराज। इस कोठे के दीपक कभी नहीं बुझेंगे। आंखें हमेशा तुम दोनों पर हैं। जिन रास्तों को हम जानते थे आप उन पर यात्रा नहीं कर रहे थे। पहाड़ियों के पास आप तीनों को देखने के बाद मेरी जान में जान आई। फिर भी मुझे संदेह हुआ कहीं आपका कोई पीछा तो नहीं कर रहा। संदेह दूर करने के लिए मैं 2 कोस पीछे तक दौड़ कर गया। अब आगे जब आप वागायूर पहुंचेंगे वहां नदी किनारे नाव वाला आपकी प्रतीक्षा करता मिलेगा। जानते हैं जजमान, घर से यात्रा शुरू करने के बाद यहाँ तक एक परछाई के रूप में आपके साथ रहने का आदेश बड़े जजमान ने ही दिया था। उस दिन तूफान में खतरे का टलना, तीर का निशाना चूकना सब बड़े जजमान के कारण हुआ। दिन आपको महल तक सुरक्षित पहुंचाने वाले भी बड़े जजमान ही थे। ये बात महल में पहुंचते ही सेना रवाना हो जाएगी, वो यहाँ भी पहुंच सकती है। यहाँ नहीं पहुंचेगी जजमान, इस आदिवासी इलाके में कदम रखा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे वो लोग। सहारा देने वालों की भी जान लेने की आदत है उनको, हमेशा ऐसे ही होता रहा है। मारने और मरने वालों के अलावा साथ देने वालों को भी अपनी बलि देनी होती है। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता जजमान। 20-30 हजार सिपाहियों के पीछे छुपे रहने वालों के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपकी तरह युद्ध कला और कलाबाजी में निपुण न हो, नहीं तो एक क्षण में उसका अंत हो जाएगा। मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन आपके बारे में बुजुर्गों से सुना जरूर है। अब कुछ दिनों में ये विश्वास हो गया कि वो सब केवल कहानियां नहीं है। अगर ये नहीं गए तो देश की इज्जत नहीं बचेगी। सामुद्री को सही जवाब जीभ से नहीं तलवार से देना होगा। समय आने दो, सब समाप्त कर देंगे। इस दलदल में फंसकर लाचार होने वाला अंतिम योद्धा हूं मैं। असंभव को संभव में बदलकर यश प्राप्त करना चाहा, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। तुम दोनों मासूमों को जो मेरे अपने हैं उन्हें उस खूनी मैदान में धकेलने को मन नहीं करता, हिम्मत नहीं होती। तुम दोनों को अपने से दूर कैसे कर दो भला? मैं अब किसी बात पर आड़े नहीं आऊंगा। तुम्हारे आगे का मार्ग देवी मां दिखाएंगी।
काटो, उस तरफ के पेड़ों में सबको चौकन्ना कर दो। आगे कोई खतरा नहीं है, कभी कभार पेड़ों के पीछे शिकारी छुपे होते हैं। आदिवासी और दूसरे जनजाति के कबीले वालों के बीच में मैंने पहले से ही अपने लोगों को छुपा दिया है, कोड़ीकोट से आने वाली सेना से इन जजमानों को बचाने के लिए। मामांगम में जाना तय हो गया तो हर योद्धा राज्य की धरोहर है और हर देशवासी तुम्हारा मित्र है। आज यहां डेरा डालेंगे। कणप्पर का युद्ध करा गुरुकुल, यहां की परछाई भी तलवार लिए हमारी रक्षा करेगी। यहां इससे पहले कभी आए हैं? वहां उस जगह बड़े आदर के साथ चटाई पर बिठाकर मुझे भोजन कराया गया जब मैं थिरुनावाया जा रहा था। भोजन परोसी रहे थे कि जंगल के बीच झरना पार करके कणप्पा के मित्र मरिक्कार की पत्नी यहां आई और हमें खतरे की सूचना दी। उनके परिवार वाले जो बाजार गए थे खरीदारी के लिए, उन्होंने लौटकर उन्हें सूचना दी कोड़ीकोट से आने वाले सिपाहियों को देखकर। भोजन छोड़कर मैं उठने लगा तो कणप्पा ने कहा, भोजन मत छोड़ो, हम देख लेंगे। जब मैं निकलने लगा तो वहां औरतों ने जोरों शोरों से मुझे विदा किया, रास्ते में फूल बरसाकर, और कुछ तो रोने भी लगी। वहां से निकलकर पहाड़ पार किया ही होगा कि तल्ला चेन्नूर की सेना वहां पहुंच गई, चारों तरफ से उनको घेर लिया और उनके साथ आई हुई फिरंगी सेना ने सब कुछ खत्म कर उनका सर्वनाश कर दिया, पूरी तरह लूट लिया, बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उन्हें दफना दिया। इस आत्मघाती योद्धा के लिए सब राख हो गया। यहां की परछाई पर भी तुम विश्वास कर सकते हो। मैंने कन्नप्पा की वीरता की गाथा सुनी है, इतना बड़ा त्याग करने के पश्चात भी आप अपने लक्ष्य भूल गए। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए पर आप अभी भी जीवित हैं। वीर गति को प्राप्त होने से पूर्व उस पहले आत्मघाती योद्धा ने अपनी आवाज उठाई होगी विश्वासघात के कारण होने वाली मृत्यु के बारे में, अपने कुल की महिमा को गौरवान्वित करने की परंपरा और वीरता के बारे में। इस माया सागर में केवल मृत्यु की लहरें हैं। इस मंगल का और कोई नहीं है, कोई भाई बहन या बाल बच्चे, अपना परिवार? एक बेटा था तुम्हारी उम्र का, एक मासूम जो बोल नहीं सकता था, जब काड़ामपुरा गए थे वहां उसे भी मार दिया। बेचारा, मृत्यु के बाद शरीर का दह संस्कार क्यों करते हैं? तभी वो आत्मा पंचभूत में यानी प्रकृति में विलीन होती है, जैसे मन परमात्मा में लीन हो जाता है। दह संस्कार नहीं किया तो वो शरीर चील का वो या गीदड़ का भोजन है ना? मेरा शरीर यदि ठीक से नहीं जला तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हो भी गया तो क्या, ये भी तो प्रकृति का ही भाग है ना। मृत्यु के बाद भी उसका नाम जीवित रहता है, उससे भय रहता है उन लोगों को। मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जाता है तो यहां की औरतों के मन में चिता की तरह जलते बदले की आग की वजह से है। अपने सगे भाइयों और बेटों की चिता की आग की धधक उन स्त्रियों के सीने में रहती है। ऐसे ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है और उन्हीं का दूध पीकर हम बड़े हुए हैं। नहीं उन्नी, तेरे शरीर को चील कौवा या गीदड़ का भोजन नहीं बनने दूंगा मैं। जाके सो जाओ।
यात्रा लंबी है। इसे तुम अपनी माँ समझकर उन्हें अन्न खिला दो। यदि हम जीत कर लौट आए तो फिर माँ का क्या होगा? मृत्यु उनकी नहीं हुई है उन्नी। विजय प्राप्त करने के भ्रम में अपने जीवन को त्यागने वाले तो हम हैं। हमारे सहयोग के लिए मृत्यु प्राप्त करने वाले हजारों योद्धा भी, उन्हीं के लिए पिंडदान करना है तुम्हें। अनगिनत सैनिकों के चक्रव्यूह को तोड़कर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक आत्मघाती योद्धा का रक्षा कवच अन्य योद्धा या सैनिक नहीं, वो स्वयं है। धरती पर हमें जकड़ के रखने वाला कोई भी बोझ हमारे मन में नहीं होना चाहिए। केवल भय को ही नहीं त्यागना है हमें, हमें बांध के रखने वाले उन रिश्ते नातों को भी। एक आत्मघाती योद्धा की कलाबाजी महान कलाबाजी में तभी बदलती है। उन जंजीरों को तोड़कर रिश्ते की जड़ काट पाओगे तुम लोग? ऐसा हुआ तो लक्ष्य संभव है। ये दम्य है, प्रचंड है, ये साहसी, ये दम्य है, ये वीर है, विराट शौर्य शक्ति ग्रंथ महाभारत। अजन्मति डर प्रवाह ना कभी रुके चुके ना वीर की जड़ की सशक्त गुंज महाभारत। कुलद्रोही की मुद्रा लगा के परिवार सहित पूरा देश जिसे दूर किया उस हृदय में छुपे प्रेम और करुणा को मैं जान गया हूं। अब और मामंगम नहीं होगा, ना ही हम जैसे योद्धा। हमारे साथ साथ ही ये लहू का खेल समाप्त हो जाए। आशीर्वाद दीजिए। जहां मैं पराजित हुआ वहां तुम भी पराजित होगे, ऐसा समझना मेरी भूल होगी। सफल होकर मेरी शंका को दूर करो। अभ्यास में जो भी शस्त्र मैंने तुम्हें दिए और जो भी दांवपेच मैंने तुम्हें सिखाए, सदैव तुम्हें स्मरण रहे। कुल की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए इस फूल से बच्चे और तुम्हारी बलि देने की नौबत ना आए। हृदय में पीड़ा है, फिर भी अपने गुरुओं को स्मरण करके तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूं। महान योद्धा कहलाओ और मृत्यु पर विजयी होकर लौटो।
खतीर अरीब लल अलग, सीने में कटार लगे या किसी का हाथ, मोइन हमेशा रहेगा अपने अजीज के साथ। तू लौट जा मोइन, इस रणभूमि में मेरी मृत्यु हुई तो परिवार को सम्मान और मुझे स्वर्ग प्राप्ति। यदि तुझे कुछ हुआ तो तेरी अम्मी और बेगम को आंसू। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मेरे अब्बा जान ने एक ही बात कही थी कि मरते दम तक मुझे तुम्हारा साथ देना है। अब्बू की बात मेरे लिए अल्लाह का हुक्म है। इस बार शहीद होने नहीं, दुश्मन का सर कलम करके तुम्हें अपने कंधों पर बिठाकर घर लौटूंगा। राज्य में राज करने वाले आदरणीय सामुदिरी महाराज के मामंगम महोत्सव का मुख्य संचालक के रूप में पदवी लेने में यदि कोई विरोध करना चाहता है तो सामने आ सकता है। राज्य से आने वाले योद्धाओं को हमारे राज्य के सम्मान के लिए तुम्हारा शीश चाहिए। सामुद्री का सर काटे बिना ये योद्धा लौटेगा नहीं। तैयार हो जाओ। Yeah!
माता ने बचा लिया। छोटे जजमान का शरीर यहाँ नहीं है। इन लाशों के बीच यहाँ तू क्या कर रहा है? आत्मघाती योद्धा के नए लोकगीत की कहानी पक्की करने आया हूँ मैं। धर्म योद्धा के शरीर को छुपाने की कहानी कल से बंजारे गाते फिरेंगे। उस योद्धा के शव को ले जाने वाला चाहे कोई भी हो, सीमा पार नहीं कर पाएगा। 20,000 की सेना भी भेज दो, एक भी लौट कर नहीं आने वाला। तलवार और ढाल के बिना मामांगम के मंच पर चढ़ के सामुद्री की नाक के नीचे से उस मासूम बच्चे का शरीर यहाँ से कोई ले गया है तो वो कोई और नहीं, हमारे बड़े जजमान है चंद्रोत बड़े पणिकर। आत्मघाती योद्धा का शव, उसे लेकर आने वाला चाहे मनुष्य हो या कोई पशु, इस सीमा को पार नहीं किया है कभी। जंगल पार करने वाले उस राजद्रोही को इसी मिट्टी में दफना दो।
देवी के लिए आहुति देने वाले तेरे परिवार के सदस्यों का रक्त जितना भी पिला दूं मेरी तलवार की प्यास नहीं बुझ रही बड़े पणिकर। हाँ, पहले बाजार से घर लौटने वाला तेरा बेटा, कल मैदान पर तेरा भांजा, मंच के पास इतना सा बालक, और अब देख मेरी तलवार को न्योता देने वाली गर्दन के साथ मेरी आंखों के सामने तू। बड़ैनाथ देवी माँ के लिए मंदिर के लोहार ने जो तलवार बनाई उसी तलवार से अंत करना है तेरा और तेरे परिवार का। करूंगा मैं। आदि शक्ति को समर्पित वीर योद्धाओं के रक्त से पवित्र हुई इस पावन तलवार को तेरे शरीर में बहते गंदे रक्त से अपवित्र नहीं करूंगा। तेरे हाथों मारे गए योद्धा और साधारण लोग जो भी आज तक इस तलवार का शिकार बने हैं वो केवल धोखे के कारण। ये वो मासूम बच्चा है जिसे कुल की मर्यादा का मान रखने के लिए तुम सबने वहां भेजा था। जिसने इसकी जान ली वो सामुद्री या उसकी सेना नहीं है बल्कि पिछले 350 साल से अपने मन में बदले की भावना लिए जीने वाले तुम सब हो। अब रोने से क्या लाभ, इस राज्य के स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से अधिक दयनीय है, ये मेरे इतने बरसों का अनुभव है। तेरी मांग का सिंदूर बचाने के लिए जीवन में कभी हथियार न उठाने की सौगंध को मैंने तोड़ दिया था। ये शाप है इस राज्य पर, हमारे परिवार पर। इन सबसे दूर रहने वाले मेरे बच्चे को भी कोई बचा नहीं पाया। खिलने से पहले ही मुरझा गया ये बच्चा, देवपुत्र के नाम से जाना जाएगा। सारे दांव पेच जानकर भी अभिमन्यु की भांति अंत को प्राप्त करने वाला यह बच्चा अंतिम आत्मघाती योद्धा होगा। सगे भाइयों को महाचक्रवर्तियों के समक्ष मरने के लिए छोड़ देने वाले तुम लोगों की आंख खुलवाने का उत्तरदायित्व तो मुझे मिला है। सब कुछ जानने वाली देवी मां हमारी भूलों को क्षमा करें। इस धरती पर जन्म लेने वाले किसी को हानि न पहुंचे उसके लिए मैं अपनी मृत्यु तक सदैव तत्पर रहूंगा। मामंगम के इतिहास में कभी भी तिरुनावाया से किसी भी आत्मघाती योद्धा की लाश वल्लुवा राज्य में लाई नहीं गई सिवाय उस एक घटना के। उस अनोखे वारदात का सबूत है केरल के मलप्पुरम जिले के मक्करपरम्ब में पांग नामक गांव की मिट्टी में सो रहे मासूम चंदुन्नी का स्मारक। उसे वहां लेकर आने वाले योद्धा या योगी का नाम इतिहास में रेखांकित नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति
बंजारों के गीत की चंद पंक्तियों में जीवित रहा है। नए नए हथियार लेकर आज जब आत्मघाती योद्धा निकलते हैं, तब हम बिना खून के दाग लगे एक नए सुप्रभात के लिए उस अमन के फरिश्ते को याद करते हैं। Thank you.